नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज़ विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम करने वाले हैं एसएसटी मॉडल पेपर संपूर्ण, यानी कि पूरे 60 प्रश्न। आप इसे कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए आपके इन 60 में से कितने सही हो रहे हैं। ये मॉडल पेपर सुभाष सर की बुक्स से निर्मित है। आप सभी जानते हैं सुभाष सर, यानी कि सुभाष चारण जीके के मास्टर माइंड, उन्हीं की बुक्स से निर्मित है। तो यहाँ पर हम इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अगर किसी ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर करें, एंड तक ज़रूर देखें और लाइक ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं कौन से प्रश्न हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न हैं, आपके कितने सही होते हैं ज़रूर बताएँ। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान की खुदाई सर्वप्रथम की गई थी? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस स्थान की खुदाई सर्वप्रथम की गई थी। ये सीटेट 2011 में आया हुआ प्रश्न है, तो राइट आंसर आएगा हड़प्पा। हड़प्पा की कब हुई थी? 1921 में हुई थी। तो सर्वप्रथम खोज पूछा गया है, तो राइट आंसर है हड़प्पा। नंबर दो, जिस सील जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है, जो पशुपति शिव जैसी दिखाई पड़ती है, कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये कहाँ से मिली है? ये मिली थी मोहनजोदड़ो। राइट आंसर आएगा डी, यानी कि 4। नेक्स्ट है, निम्न में से सैंधव स्थल का नगर तीन भागों गढ़ी मध्य व निचला नगर में विभक्त था, कहाँ पर है? यानी विभक्त था वो नगर पूछा गया है। तो राइट आंसर है धोलावीरा, यानी कि सी धोलावीरा। और धोलावीरा कहाँ पर पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है, आपको ये बात भी याद रखनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्मा में, मातृशक्ति में, यज्ञ प्रणाली में या कर्मकांड में? तो राइट आंसर हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में, यानी कि 2 यहाँ पर राइट रहेगा। नंबर 5, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति, फिर से देखना, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर निम्न में से कौन सा पशु उत्कीर्ण नहीं है? ये पूछा गया है, बैल, बाघ, गेंडा या हाथी? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 5वें का, बैल। बैल उत्कीर्ण नहीं है, गेंडा, हाथी, बाघ और घोड़ा ये उत्कीर्ण है। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ए। वैदिक काल में लोगों ने धातुओं का प्रयोग किया, निम्न में से कौन सा धातु पहली थी, यानी कि किस धातु का सर्वप्रथम उन्होंने प्रयोग किया है वो पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तांबा। नेक्स्ट है, सत्यमेव जयते सूत्र कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद से, रामायण से, मुंडकोपनिषद से या फिर महाभारत से? तो राइट आंसर रहेगा सी, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित ब्राह्मण ग्रंथों में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद ब्राह्मण ग्रंथ नहीं था? निम्नलिखित में ब्राह्मण ग्रंथों में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ नहीं था? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 4, तैत्तरीय ब्राह्मण। नेक्स्ट है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से, अथर्ववेद से, ऋग्वेद से या सामवेद से? तो यहाँ पर पूछा गया है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। राइट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वेदांग का घटक नहीं है? शिक्षा, व्याकरण, छंद, अलंकार। तो वेदांग कितने थे? 6 थे, उनमें से यहाँ पर अलंकार नहीं था, तो राइट आंसर रहेगा 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है, जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, उत्तरी ध्रुव या मकर रेखा? तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का बी, भूमध्य रेखा पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है। नेक्स्ट है, दिन रात जिस कारण होते वह है, भू परिक्रमण के कारण, भू परिभ्रमण के कारण, पृथ्वी के अक्ष के झुकाव के कारण या चंद्रमा के परिक्रमा के कारण? तो राइट आंसर रहेगा, दिन रात जिस कारण होते हैं वह है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है बी, भू परिभ्रमण के कारण।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। एक स्थान का देखें यहाँ पर, एक स्थान का जो सही अक्षांशी स्थिति हो वह है 91 डिग्री पश्चिम, 45 डिग्री पूर्व, 45 डिग्री दक्षिण या 90 डिग्री उत्तर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर रहेगा सी, 45 डिग्री दक्षिण। नेक्स्ट है प्रदीप्त वृत्त है, ये मैंने कम्युनिटी टैब में भी डाला था कि प्रदीप्त वृत्त है क्या है, पृथ्वी पर दिन रात को विभाजित करता है, पृथ्वी के अप्रकाशित भाग को प्रदर्शित करता है, पृथ्वी के प्रकाशित भाग को प्रदर्शित करता है या इनमें से कोई नहीं। तो प्रदीप्त वृत्त क्या होता है, पृथ्वी पर दिन रात को विभाजित करता है। राइट आंसर रहेगा फर्स्ट। नेक्स्ट है निम्न में से पृथ्वी के घूर्णन गति का प्रभाव है, प्रभाव है पूछा है, दिन रात का बनना, ज्वार भाटा की आवशति, पवनों की दिशाओं में परिवर्तन या ये सभी। तो यहाँ पर निम्न में से पृथ्वी के घूर्णन गति का प्रभाव है, तो ये सभी हो जाएंगे, तो राइट आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सा पृथ्वी की वार्षिक गति का प्रभाव नहीं है, दिन रात का बनना, उपसौर व अपसौर की स्थिति होना, दिन रात का छोटा बड़ा होना, ऋतु परिवर्तन होना। तो राइट आंसर रहेगा पृथ्वी की वार्षिक गति का प्रभाव नहीं है, तो यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा दिन रात का बनना। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी रेखा भारत से गुजरती है, जीरो अक्षांश यानी कि भूमध्य रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा या कर्क रेखा। तो राइट आंसर रहेगा भारत से गुजरने वाली है कर्क रेखा, यानी कि 4 नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। कितने राज्यों से गुजरती है, तो ये 8 राज्यों से गुजरती है। नेक्स्ट है पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियम याम्योत्तर पर खींची है, क्या कहेंगे, कर्क रेखा कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, विषुवत रेखा या प्रधान याम्योत्तर रेखा। तो 180 डिग्री मेरिडियम याम्योत्तर यानी कि इसको कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट है क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, क्षेत्रफल के आधार पर पूछा गया है, तो सबसे बड़ा है एशिया और सबसे छोटा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी। अगर जनसंख्या के आधार पर पूछता तो तब क्या होता, एशिया और अंटार्कटिका, लेकिन क्षेत्रफल के आधार पर राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट है वह खगोलीय घटना जब सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है कहलाती है, विषु, अपसौर, अयनात या फिर उपसौर। तो क्या पूछा है, जब सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो वह घटना क्या कहलाती है, उपसौर कहलाती है, राइट आंसर रहेगा 4। निकट रहता है उपसौर, अगर दूर रहता है तो अपसौर, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 4, उपसौर। नेक्स्ट है यूनेस्को ने राजस्थान के 6 किलों यानी दुर्गों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया, ये किले हैं, ये 2014 में आया हुआ एक क्वेश्चन है। तो कितने जिले शामिल किए थे, तो उन्होंने किए थे 6। अब वो कौन से हैं, चित्तौड़, कुंभलगढ़, रणथंबोर, आमेर, जैसलमेर, गागरून। फर्स्ट ही सही हो जाएगा, बाकी देवगढ़ नहीं था तो ये ऑप्शन कट गया, यहाँ पर देखिए शेरगढ़ ये भी कट गया और शेरगढ़ ये भी कट गया, तो राइट आंसर रहेगा फर्स्ट चित्तौड़, कुंभलगढ़, रणथंबोर, आमेर, जैसलमेर और गागरून। इनको कब शामिल किया गया ये याद रखना, 2013 में। ओके, शॉर्ट फॉर्म में इनकी चीकू गाजर आम, आप इन चीकू गाजर आम के माध्यम से 6 जो किले हैं इनको याद रख सकते हैं, तो राइट आंसर रहेगा 21वें का फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22। ये महल मानव द्वारा नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए लगते हैं, उक्त कथन रूडयार्ड किपलिंग ने किस दुर्ग के बारे में कहे थे, ये महल मानव द्वारा नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए हैं, ये किस दुर्ग के लिए कहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ए, बूंदी दुर्ग के लिए कहा था। नेक्स्ट है राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा मलिक शाह का मकबरा स्थित है, तो ये स्थित है जालौर में।
नेक्स्ट है वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेंग ने 5-5 बार चढ़ाई की किंतु असफल रहा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 24 का बी, लोहागढ़ भरतपुर। नेक्स्ट है गुब्बारा नुसरत नागपली गजक, ये किसके नाम है? मारवाड़ ठिकाना वस्त्रों के नाम है, मेवाड़ में प्रचलित मिठाइयाँ हैं, मेवाड़ में प्रचलित राजस्व वसूली है, या जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है, गुब्बारा नुसरत नागपली और गजक। नेक्स्ट है राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? जयगढ़ अजमेर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बयाना दुर्ग या विजय मंदिर अलवर। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर बयाना दुर्ग। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ बयाना दुर्ग भरतपुर में स्थित है। नेक्स्ट है देलवाड़ा स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विमल शाह ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, भगेला राजा कर्ण ने, या संप्रति ने? तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, विमल शाह ने। नेक्स्ट है किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी इस्तेमाल किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4 नंबर, भांडाशाह जैन मंदिर बीकानेर। नेक्स्ट देखिए 29, हवा महल की डिज़ाइन निम्न में से किसके द्वारा तैयार की गई? जयसिंह के द्वारा, लालचंद उस्ता, रतन सिंह या हरि सिंह? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, लालचंद उस्ता। नेक्स्ट है मुगल यूरोपियन एवं राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय लिए मेहमानबाजी के लिए निर्मित मुबारक महल स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये पिंक सिटी जयपुर में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, जयपुर। अगला देखिए प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? ये देखिए बहुत सी एग्जामों में आया हुआ है, 2012, 20 और 2021 अभी सब इंस्पेक्टर में भी आया था। तो कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा बूंदी। नेक्स्ट है 32, सालिम सिंह की हवेली और नथमल की हवेलियाँ स्थित हैं कहाँ पर? है जैसलमेर। राइट आंसर है 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, सौर मंडल का एकमात्र वह ग्रह कौन सा है जो घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है? घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है, उस ग्रह का नाम बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, शुक्र। नेक्स्ट है रिएक्टर पैमाने में की तीव्रता मापी जाती है, किसकी मापी जाती है? तो मापी जाती है भूकंप की। राइट आंसर है 4। नेक्स्ट है भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? तो राइट आंसर क्या हो जाए, कितना है? बी, 30 डिग्री। निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारत की संविधान सभा में देशी रियासतों की महिला प्रतिनिधि थी? उस महिला का नाम बताना है जो संविधान सभा में देशी रियासतों की महिला प्रतिनिधि थी। तो राइट आंसर रहेगा 36 का डी, एनी मास्करीन। नेक्स्ट है किसने भारत की संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र कहा है? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर या के एम मुंशी? तो राइट आंसर हो जाएगा संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र कहा था, चलायमान राष्ट्र कहा था किसको? संविधान सभा को। तो 37 का आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है मूल भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? नंदलाल बोस, व्योहार राम मनोहर सिन्हा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा या बसंत कृष्णन वैद? तो 38 का आंसर होगा रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। नेक्स्ट है प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? 1919, फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति में सदस्य कितने थे? तो याद रखना 7, और अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है 41, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो राइट आंसर होगा 3, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट है भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है,
भारत में संसदीय शासन नहीं है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, भारत राज्यों का संघ है। तो यहाँ पर पूछा गया है भारत एक गणतंत्र राज्य, इसका अर्थ होगा भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 43। निम्न में से भारत के संविधान की विशेषता नहीं है, तो तीसरा यहाँ पे सही होगा प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुविधा प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना, तो राइट आंसर है थर्ड। नेक्स्ट है किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्षता एवं अखंडता शब्द जोड़े गए, तो किस में जोड़े गए थे, 42वां संविधान संशोधन 1976, राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है, हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है, तो यहाँ पर तात्पर्य रहेगा संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है, राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। अगला देखिए भारत के संविधान में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं किया गया, राजनीतिक दलों का नाम, नागरिकों के अधिकारों का, राज्य और केंद्रों का, या राज्य सरकार के ढांचे का, तो यहाँ पर पूछा है संविधान में किसका उल्लेख नहीं किया गया है, तो फर्स्ट हो जाएगा राजनीतिक दलों का उल्लेख नहीं किया गया है। अगला है 47। निम्नलिखित विवादों में से किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है, तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 47 का डी, केशवानंद भारती विवाद। 48 देखिए प्रस्तावना में निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है, लोक, व्यक्ति, नागरिक, उक्त सभी, तो उक्त सभी राइट आंसर होगा, प्रस्तावना में लोक, व्यक्ति, नागरिक, इन तीनों ही शब्दों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है प्रारूप समिति में कांग्रेस के सदस्य कितने थे, 2, 5, 1 भी नहीं या 7, तो टोटल तो कितने थे, 7 थे, लेकिन यहाँ पूछा क्या गया है कांग्रेस के सदस्य, तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा ए, 2। अगला है 50। संविधान को कब अंगीकृत, अधिनियम और आत्मापृत किया गया, यानी कि कब अपनाया गया, 26 जनवरी 1950, 14 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1949 या 5 सितंबर 1948, तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी 50 का आंसर क्या हो जाएगा, 26 नवंबर, राइट आंसर रहेगा थर्ड। नेक्स्ट है 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। 51 सिंधु घाटी के लोग किस पशु से परिचित नहीं थे, घोड़ा, बैल, भैंस, गाय, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट, घोड़ा। अगला देखिए नेक्स्ट हड़प्पा स्थल जहाँ से भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं, प्राचीनतम प्रमाण भूकंप के कहाँ से मिले हैं, ये पूछा गया है रंगपुर से, देसलपुर से, कालीबंगा से या कुंतासी से, तो राइट आंसर होगा 52 का सी, कालीबंगा से। यहाँ पर 51 का आंसर देखिए स्पष्ट किया गया है, कई विद्वानों ने इसे भैंस माना था लेकिन आरपीएससी के द्वारा घोड़ा माना गया है, तो इसलिए 51 का आंसर क्या हो जाएगा, घोड़ा ही होगा। नेक्स्ट है 53 ऋग्वेदिक काल में निष्क किसकी इकाई थी, मूल्य की, रजत की, भूमि की या स्वर्ण की, तो निष्क सोने की इकाई थी, तो राइट आंसर रहेगा 4। 54 समस्त समय कटिबंधों पर समय गणना होती है, कहाँ पर होती है, 180 डिग्री देशांतर ग्रीनविच स्थान से, 0 डिग्री मध्यान रेखा से या 90 डिग्री पूर्वी देशांतर से, तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 0 डिग्री मध्यान रेखा से। नेक्स्ट है 55 एकमात्र महाद्वीप जिससे होकर विषुवत, कर्क और मकर, यानी कि उस महाद्वीप का नाम बताना है जिससे तीनों ही रेखाएं निकलती है, तो राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका। 56 राजस्थान में दान चंद्र चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है, सुजानगढ़, किशनगढ़, खेतरी या बीकानेर, तो 56 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सुजानगढ़। 57 यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सकता, हसन निज़ामी का यह कथन किस किले के संदर्भ में था, जैसलमेर, चित्तौड़, तारागढ़ या जालौर,
तो 57 का आंसर होगा डी, जालौर के बारे में कहा था। नेक्स्ट है, महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तमाबाद रखा था? किसका रखा था? राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, गागरौन किले का। नेक्स्ट है, दिन रात बनने का कारण है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो राइट आंसर हो जाएगा परिभ्रमण गति। और अंतिम प्रश्न है, पृथ्वी का अक्ष किसकी कक्षीय सतह से कितनी डिग्री का कोण बनाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, 66.5 डिग्री, और झुकी हुई कितने पर है? 23.5 डिग्री पर, तो राइट आंसर होगा फर्स्ट। ओके फ्रेंड्स, इन प्रश्नों को कीजिए कमेंट सेक्शन में, बताइए आप ही कितने सही हुए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।